सर सारी चीजें सर आपने बता ही दी हैं सर, और जो मेरे मन के डाउट्स थे वो भी सर आपने क्लियर कर दिए हैं सर। फिर भी सर मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा सर, मैं बताता हूँ सर आपको ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है आशीष, बिल्कुल ठीक है। समय लेना चाहिए, अगर आपके मन में आया है तो थोड़ा और वक्त लीजिए, वो आपका हक बनता है। और आप मुझे बताएं ना बताएं, वो आपकी चॉइस है। मैंने अपना कर्म किया है कि आपके मन के जितने सवाल थे, जितनी बातें थी, मैंने आपको बताई। लेकिन आखिरी में एक बात कहूंगा कि अगर आपको बात समझ में आ गया है ना, तो अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, टाइम ना लें। जो आप कह रहे हैं ना कि सर थोड़ा टाइम लूंगा, या तो आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो दोबारा क्वेश्चन करें। क्या है कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है क्या सर। कोई ऐसा सवाल और है जो आपके मन में है? नहीं सर, सवाल कुछ भी नहीं है सर। अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुरंत कहता हूं आप अपना समय बिल्कुल भी ना गवाइए। ऐसा क्यों कह रहा हूं जरा समझिएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं आशीष आपको कि जब इस बिजनेस में काम करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, अपने साथ इस बिजनेस में जोड़ते हैं। आपके भाई हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हैं जिन्हें आप इस बिजनेस को दिखाना चाहते हैं, तो क्या आप इकलौते ऐसे हैं जो उन्हें इस बिजनेस के बारे में दिखाएंगे, या बाहर में और भी कोई होगा जो इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग ग्लेज में कर रहा होगा, और हो सकता है कि वो आपके भाई को, दोस्त को, रिश्तेदार को ग्लेज का प्रेजेंटेशन दिखाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है, दिखा कोई और भी आपके फैमिली मेंबर को प्रेजेंटेशन दिखा सकता है? सकता है सर। अगर मान के चलिए आपके ब्रदर को किसी ने प्रेजेंटेशन दिखा दिया तो आपका कितना नुकसान होगा, आपके हाथ से कितने लोग जाएंगे? सर यदि मेरे ब्रदर को किसी ने दिखा दिया सर, तो काफी लोग चले जाएंगे सर, क्योंकि मेरे ब्रदर और मेरा सर जो जो जानकार हैं, जान पहचान वाले, सब एक ही जैसे हैं सर, सारे के सारे। आप बहुत समझदार हैं आशीष। ज्यादातर लोग ये जवाब नहीं देते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं एक मेरा भाई ही तो गया। बट आपने एक लेवल आगे, क्योंकि आपने हर सवाल को बहुत अच्छे से समझा है, और आप जब ये बात खुद बोल रहे हैं, मेरे से समझने से पहले ये बात आप बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा भाई नहीं जाएगा, हो सकता है आपके आगे आपका भाई जितने लोग को जानता हो, जिनको पहचानता हो, क्योंकि वो तो वहां जुड़ गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में होता है जो जिसके नीचे जुड़ गया उसके नीचे काम करेगा। तो आप अपने नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेग खो देंगे जो भविष्य में लाखों और करोड़ों रुपया कमा के दे सकता था, प्लस आप अपने लोगों को खो देंगे जिनके साथ आप काम कर रहे थे। तो आपके लोगों को और भी कोई दिखा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आशीष, इसीलिए समय ना व्यर्थ गवाएं। समझ में आ गया है तो एक मिनट भी व्यर्थ गवाना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा, खास तौर पे जब ये महीना एनिवर्सरी का है, गिफ्ट का है, ऑफर्स का है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, तुरंत हमारा सेल फॉर्म साइन करें, फ्री डिस्ट्रीब्यूटरशिप लें, और तुरंत अभी के अभी आप प्रोडक्ट परचेज करें, ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि एक एक मिनट एक एक दिन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप भी अपने आगे टीम को शुरू करें। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, आपने सर जो मुझे समझाया है सर, ये वाला पॉइंट सर, मैं इसको नहीं देख पा रहा था सर, पर सर इतनी सर बड़ी बात को सर मैं देखते हुए सर, मैं आज ही सर, आज सर क्या, अभी सर अभी अपना फॉर्म भरूंगा सर, और सर 40 IP के कॉम्बो के साथ ही शुरुआत करूंगा सर मैं। बहुत अच्छा आशीष, बहुत बढ़िया। समय व्यर्थ नहीं गवाना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलई होई गई बहुरी करेगा कब। समय व्यर्थ ना गवाएं, तुरंत करें, क्योंकि आपके आगे लोग इंतजार कर रहे हैं। हर मिनट लोग जुड़ रहे हैं, हर मिनट। आप एक दिन लेट करोगे तो अपनी कामयाबी से एक दिन दूर हो जाओगे। क्या दूर होना चाहते हो अपनी कामयाबी से? तो नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बस आखिरी में इतना ही कहूंगा, जब आप तैयार हो करने के लिए, एक पॉजिटिव विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पूरे जोश, एनर्जी, एक्साइटमेंट के साथ काम शुरू करें, ग्लेज परिवार खुली हाथों के साथ आपका इंतजार कर रहा है।
आप आए ग्लेज परिवार का हिस्सा बने और देखें ग्लेज परिवार, आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 10 कदम वो आपको हाथ में आगे लेके चल पड़ेगा। तो इंतजार मत कीजिए, तुरंत तैयार हो जाइए, फॉर्म भरिए और शुरू कीजिए बिजनेस एक सकारात्मक सोच के साथ कि कामयाबी आपको यहां मिलेगी। 1 मिनट भी व्यर्थ गवाना संभव नहीं है। ठीक है आशीष? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी स्टार्ट करते हैं सर। बेस्ट ऑफ लक।